हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चावल की खीर। तो चलिए बनाते हैं चावल की खीर। उसके लिए हमें लेना है आधा कप चावल, उसे हमें आधा घंटा भिगाने रख देना है, और फिर एक पैन में आधा लीटर दूध डाल के उसमें उसे बॉईल करने रख देना है। और फिर हमने जो भीगे हुए चावल है हमें उसे थिक पेस्ट बना लेना है। दूध को अच्छी तरह से स्टर करना है ताकि उसमें मलाई वगैरह कोई जमे ना, और फिर उसमें हमें जो चावल का पेस्ट हमने बनाया है उसे ऐड कर लेना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना आ जाए। और यहाँ पर हमारा चावल और दूध अच्छी तरह से पक गए हैं तो हम उसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर। आप आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। आपको अगर मीठा चाहिए तो मीठा बनाइए और फिर शुगर को अच्छी तरह से डिजॉल्व होने दें। अभी हमें फ्लेम लो कर देनी है और फिर ऐड करना है हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे चॉप ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप आपके हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो सब ऐड कर सकते हैं। और फिर हमें उसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है और फिर हमें ऐड करना है हाफ कप फ्रेश क्रीम, एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस। ऑप्शन है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। और यहाँ बन गई हमारी चावल की खीर।